हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम बीकॉम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो ना बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा, चाहे वो वेरी शॉर्ट सही या लॉन्ग डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन सही, सारे के सारे क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा, कौन कौन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इफ़ यू आर द न्यू अवर यूट्यूब चैनल, सो गाइज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एन टाइम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छाटने में मुझे बहुत टाइम लगा है, तो वीडियो इस बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप ये नहीं है कि ये खाली एक ही स्टूडेंट के लिए है, यह बी कॉम के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे बी कॉम के स्टूडेंट के लिए है। एंड अगर आपको इसको यूट्यूब मतलब पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन उसका एक ही क्रिटेरिया का आपको हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब का स्क्रीन शॉट सेंड करना होगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। तो अब बात करते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम के बिजनेस कम्युनिकेशन के। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि व्हाट इज द स्पॉट एनालाइज, मतलब स्पॉट एनालाइज क्या है, स्पॉट विश्लेषण क्या है, मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर दो है कि आपका व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण से क्या अभिप्राय है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका What do you mean by स्पेस लैंग्वेज, स्थान भाषा से क्या आशय है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर फोर के बारे में, तो इसमें पूछा एक्सप्लेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, ये सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के लिए ही, मतलब अति लघु और लघु उत्तरीय के मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड जो दीर्घ क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस टाइप क्वेश्चन उसके भी इसी में आएंगे, वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चनों को तो जरूर याद करके जाएं। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा है कि एक्सप्लेन एनी टू काइंड्स ऑफ इंटरव्यू ब्रीफ, साक्षात्कार के किन्हीं दो प्रकार को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो व्हाट इज मीन्ड बाय इफेक्टिव लिसनिंग, पूर्ण श्रवण से क्या आशय है। बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में, इसमें पूछा है कि व्हाट इज कम्युनिकेट सम्प्रेषण क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर एट में पूछा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय एंड पेंटरब्रीफ, साक्षात से आप क्या समझते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एंड क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो इसमें पूछा है कि डिफरेंटिव बिटवीन एरल एंड रिटर्न कम्युनिकेटर, अब उसको हम थोड़ा सा इसको लेते हैं, हाँ, शैक्षिक एवं लिखित संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर टेन पूछा है हाउ कम्युनिकेशन वी मेड इफेक्टिव, संचार को किस प्रकार प्रभावी बनाया जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा है कि हाउ ऑडिशन एनालाइज इज डन, श्रोता विश्लेषण कैसे किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में पूछा है एक्सप्लेन एनी फोर वैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण संचार के कोई चार अवरोधक तत्व बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर तेरह पूछा है व्हाट इज द लिसनिंग, क्वेश्चन नंबर तेरह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौदह के बारे में एंड पंद्रह के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर चौदह में पूछा है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ सेवन सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावपूर्ण संप्रेषण के साथ सी के संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर पंद्रह की बात करें तो इसमें पूछा व्हाट इज द ओरल प्रेजेंटेशन, मौखिक प्रस्तुतिकरण क्या है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर सोलह पूछा है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसेस, समीपीय भाषा के प्रारूप संक्षेप में बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर सत्रह पूछा है कि व्हाट इज द सर्कुलर फोन, सेल्यूलर फोन क्या है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये तो काफ़ी बार पूछा जाता है सेल्यूलर फोन क्या है। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि हमारा कि द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इन ब्रीफ इन इंडियन प्रोस्पेक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, ई कॉमर्स का भविष्य भारतीय संदर्भ में उज्ज्वल है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, मतलब स्पष्ट कीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि हमें, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि औपचारिक संप्रेषण फॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, एंड 20 में पूछा है कि हमें अनौपचारिक संप्रेषण इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में तो इसमें पूछा है कि ऊर्ध्वगामी संप्रेषण को समझाइए, एक्सप्लेन द अपर्ड कम्युनिकेशन, एंड 22 में पूछा है कि अधोगामी संप्रेषण को समझाइए, 23 में पूछा है मैं कि अंगूरी लता या अयुष्ट संप्रेषण ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को समझाइए, एंड 23 में पूछा है भ्रमित संचार मिस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि संगोष्ठी को समझाइए, एक्सप्लेन द सेमिनार, एंड क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 की बात करें तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 25 में कोटेशन कोटेशन संबंधी पत्र को समझाइए, एक्सप्लेन द कोटेशन लेटर, एंड 26 में पूछा कार्यालय ज्ञापन को समझिए, एक्सप्लेन द ऑफिस मेमोरेंडम, ये आपके जो थे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करके जाएं अपने एग्जाम देने से पहले, एंड अब बात करते हैं हम सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चनों के बारे में, तो सेक्शन सी में भी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार आपके आ सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डनिंग लेटर, व्हाट पॉइंट आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग ए ड्यूरिंग लेटर गिव, इसमें ऑफ ड्यूरिंग मुत्तकादी के पत्र से आपकी क्या अभिप्राय, इसके लिखते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, एक 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 तकादी पत्र का प्रारूप दीजिए, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण प्रक्रिया समझाइए, संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न तत्वों की विवेचना कीजिए, एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, तो व्हाट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर बीइंग यूज इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, डिस्कस द एडवांटेज, आधुनिक व्यावसायिक विश्व में संप्रेषण के किन साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके लाभों का विवेचना कीजिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा व्हाट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट्स वेरियस टाइप्स, अशाब्दिक संप्रेषण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय बीपीओ डाटा रिज्यूम, हाउ विल यू प्रिपेयर एन इफेक्टिव रिज्यूम इट्स फॉर्मल एंड कंटेंट्स, जीवन व्रत आत्मसार से आप क्या समझते हैं, एक प्रभावी आत्मसार आप कैसे करेंगे, इसका एक प्रारूप एवं विषय सामग्री दीजिए, एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि रिटन द बेसिक फॉर्मल ऑफ रिपोर्ट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग वेरियस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट का मूल प्रारूप लिखिए, एंड रिपोर्ट लेखन नौचिस्यों की सीगल करने का महत्व बताइए, एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10, 7 एंड 10 के बारे में, इस 8 क्वेश्चन लॉन्ग के वेरी इंपॉर्टेंट थे, तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कम्युनिकेशन इज नेसेसरी टू बिजनेस एज द ब्लड स्ट्रीम इज टू ए पर्सन, डिस्कस एक व्यवसाय के लिए संप्रेषण का उतना ही महत्व है जितना एक व्यक्ति के लिए रक्त संचार का, विवेचना कीजिए, एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, सजेस्ट मेजर टू इम्प्रूव इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय बताइए, एंड अगर मेरे को कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो गई हो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने ये खुद टाइप करके बनाया है, ये आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वैसे गलती हो सकती है लेकिन टाइप करने में वैसे कोई कुछ नहीं, ये सारे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बनाने में आपके काफ़ी टाइम लगा है, इसको टाइप करने में भी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 पर मैसेज करके ले सकते हैं, लेकिन आपको हमारे पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, किस सब्जेक्ट पर बनाए, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, एंड वीडियो को लाइक करके नहीं जाना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, एंड शेयर जरूर करना जो आपके बीकॉम में रिलेटेड